देश में दलित, अल्पसंख्यक, किसान, 36 कौम की मजबूत आवाज, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई इमरान प्रताप रेड्डी जी हमारे बीच पधारे हैं। मैं उनका लाडनू की इस सरजमी पर अपनी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इनके साथ पधारे अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष भाई आदित्य काग जी आए हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इनके साथ पधारे हैं एमबी चोपदार साहब जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं राजस्थान के, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच पहुंचे हैं पंजाब से युवाओं की लीडर आवाज भाई पुष्पेंद्र चहल जी, उनका मैं इस लाडनू की सरजमी पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भाई निर्मल चौधरी जी, अजय चिकारा जी, धनकर साहब और पधारे हुए सभी नेतागणों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज की ये सभा हमने विशेष करके डोटासरा साहब और इमरान प्रताप रेड्डी जी को बुलाने के लिए रखी थी और डोटासरा साहब के मैनिफेस्टो की आज कांग्रेस पार्टी ने अपना लॉन्च किया है। 9:30 बजे वो समय दे रहे थे, लेकिन मैंने कहा आपका ननियाल है, आप हमेशा रिंगण और हर गांव में आते रहते हैं, आप अपना मैनिफेस्टो का जो मुख्य काम सरकार अपनी योजनाएं लेकर आई है उनको उस काम को आप करें, हम पुनः कोई सभा रख के आपको बुला लेंगे। तो मैं मेरी ओर से डोटासरा साहब का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप हमेशा इस लाडनो में हम सबके बीच आते रहते हैं। साथियों, मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि ये चुनाव 25 तारीख को होने जा रहा है। पिछली बार भी आखिरी हमने सभा रखी थी 5 दिसंबर को, 7 दिसंबर को वोट थे और उस सभा में इस कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो आज इस दुनिया में नहीं है अहमद पटेल जी को इस मंच से मैं याद करना चाहूंगा कि उन्होंने पूरे राजस्थान में 1 या 2 सभाएं की थी, उनमें से 1 लाडनू को उन्होंने अपना समय दिया था। आज हम सब लोग यहां इकट्ठे हुए हैं, इससे पहले चरणजीत सिंह चन्नी जी, भाई जिग्नेश मेवाणी जी नॉमिनेशन में, सचिन पायलट जी, सब लोग पधारे। और साथियों, मुझे खुशी है कि आज 1 महीना हो गया पूरा टिकट हुए, 21 तारीख को टिकट मिली और आज 21 तारीख वापस हम लोग इस बस स्टैंड पर इकट्ठे हुए। मुझे खुशी है कि 5 साल पहले आपने मुझे विधायक चुना और आज जब मैं वापस गांव में गया, भाई एक बार रोक लो बोले जाते, मैं जब गांव में गया तो मुझे खुशी है कि एक राजनेता के लिए इससे बड़ी कोई पूंजी नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती कि पिछला जब चुनाव लड़ा और जब वापस 5 साल बाद आपके बीच वापस चुनाव लड़ने के लिए सभाओं में मैं गया तो पिछली बार से कई गुना मान सम्मान प्रेम आशीर्वाद आप लोगों ने दिया। साथियों, पिछला 5 साल का कार्यकाल इस लाडनू के इतिहास में स्वर्णिम कार्यकाल होगा। उन 5 सालों में इस लाडनू की जो समस्याएं थी मुख्य तौर पर उन समस्याओं को निपटाने का, उन समस्याओं को दूर करने का काम हमने किया। उसमें चाहे महिला कॉलेज का मामला हो, चाहे इस शहर में 200 करोड़ की लागत से सीवरेज लाने का मामला हो, DYSP ऑफिस लाने का मामला हो, किसानों के लिए कृषि मंडी खुलाने का मामला हो और चाहे न्याय के लिए हमने IDJ कोर्ट इस लाडनू में खुलवाया हो, ये वो सब काम है। पशुओं के लिए, पशुपालकों के लिए इस नागौर जिले में 2 बड़े हॉस्पिटल एक हमें यहाँ लाडनू में मिला, तो ये वो काम है जो लंबे समय से पेंडिंग थे। और आज हम जब इस मंच पे खड़े हैं तो मुझे कहते हुए खुशी है कि ये लाडनू जो पिछले भाजपा के राज में गुंडों और गैंगस्टरों की ये धरती बन चुका था वो हमने 5 साल में निकालने का काम किया। इस लाडनू की अमन चैन शांति और भाईचारा हमने कायम रखने का काम किया। हमने ये किया
कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, या बदमाशी की किसी को परमिशन नहीं है, किसी को अनुमति नहीं है। हमें यहाँ शांति से प्रेम से हम लोगों को साथ रहना पड़ेगा। और आज जब वापस चुनाव लड़ रहे हैं तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कल की जो अप्रिय घटना हुई, मेरा पूरा परिवार, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, उस परिवार के साथ है। तीनों अपराधी पकड़े गए और हमने, चाहे किसी का भाई भी हो, कोई भी बचता नहीं जाएगा। अपराधी की कोई जात पात नहीं होती, ये आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन जो ये चाहते हैं जी षड्यंत्र और साजिश से मुकेश बाकर को हरा लेंगे, वो सुन लो, ये छत्तीस कौम की जनता मेरी ताकत है, आप लोगों के पास में नहीं आने वाला हूँ मैं। आज जो लोग, जिन्होंने जीवन भर अपराध किया, जिन्होंने जीवन भर लोगों को मारा, जीवन भर जेल काटी, और आज इस लाडनू को जो शांति प्रिय जगह है उसको वापस अपनी सर्विस के लिए बनाना चाह रहे हैं और भाजपा के माध्यम से ताकत अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहूंगा कि मुकेश बाकर जब तक जिंदा है आपके मंसूबे ये कामयाब नहीं होने देना। साथियों, ये चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं है, यह चुनाव है आपराधिक सांठगांठ और एक तरफ जो प्रेम और शांति और भाईचारा है छत्तीसगढ़। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने पीछे काम किए हैं और आगे भी हम काम करेंगे, और अपराधी चाहे किसी जाति बिरादरी धर्म का हो, बख्शा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आज मुकेश बाकर से परेशानी लोगों को क्यों है? उनको परेशानी इसलिए है क्योंकि उनके बुरे कामों में मुकेश बाकर की मौन स्वीकृति नहीं है। जो गलत होगा उसके खिलाफ बोलूंगा और लड़ूंगा, यह आप लोगों को संदेश में देना चाहता हूं। और साथियों, हमें समझना पड़ेगा कि क्यों ताकत चाहिए इन लोगों को। इनको ताकत इसलिए चाहिए, कुछ चुनाव नहीं लड़ सकते, पता वोट नहीं आएंगे, लेकिन भाजपा के इर्द गिर्द रह के इस लाडनू में वापस अमन शांति खराब ये लोग करना चाहते हैं, उसका संदेश आप लोगों को देना पड़ेगा। आज मैं जब गांव में गया हूं, मैं अगर कुछ भी कर लूं तो इस लाडनू की जनता का एहसान नहीं चुका पाऊंगा, जीवन में नहीं चुका पाऊंगा। इतना प्रेम, इतना आशीर्वाद आप लोगों ने, छत्तीस कौम के लोगों ने इतना प्रेम आशीर्वाद मुझे दिया है कि रिजल्ट तो आएगा 3 को और वोट पड़ेंगे 25 तारीख को, लेकिन आज हम जो गांव में घूम के, हमने 150 गांव कवर किए हैं, शहर की हमने मीटिंगें करी है, 200 से ऊपर हमने मीटिंगें करी है, और जो प्रेम और आशीर्वाद दिया है, रिजल्ट आ चुका, आ चुका, आ चुका। आपने ताकत से लड़ा और आज भी आप लोगों के लिए मैं ताकत बन के, मैं शहर में गया, एक माजी मुझे मिली, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा वोट तो आपको ही देंगे, हाथ में ही देंगे, लेकिन पीठ मत दिखाना। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मुकेश बाकर पीठ नहीं दिखाएगा। एक मेरा परिवार, जो लोग कहते हैं कि मुकेश बाकर हमारे लेवल का नहीं है, भाई बिल्कुल लेवल का नहीं, तुम्हारे एकदम लेवल का नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी 3 पीढ़ियों ने इस देश की सेवा की, फौज में बिताए, और मुकेश बाकर अपने दम पे छात्र राजनीति करते हुए यहाँ पहुंचा है। मेरे हाथ खून से रंगे नहीं है, इसलिए तेरी और मेरी कोई बराबरी नहीं है। मैं सब लोगों से, छत्तीसगढ़ के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग 25 तारीख तक शांति और भाईचारा बना के रखना है, यह सबसे बड़ी ताकत हमारी है। जो कोई भी बदमाशी करेगा वो कांग्रेस पार्टी और मुकेश बाकर का समर्थक नहीं हो सकता, यह मैंने पहले भी मंत्रों से कहा है। और ये चुनाव षड्यंत्र साजिश और आम जनता का चुनाव है, यह आप पे थोप के मैं जा रहा हूँ। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।